खुद डरता है तो पुलिस को क्यों आगे लाता, खुद आगे बात करे ना। जम्मू कश्मीर में पहले भी पलायन हुआ इनके राज में और अब भी पलायन हो रहा, उसका ध्यान भटकाने के लिए ईडी को आगे लाते हैं। भगवा है तो रोड पे आए ना, जय श्री राम का नारा, राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। बाल बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है, लेकिन जितना कर रहे हैं वो उस पर्दे के पीछे करते हैं। वो बाल बच्चों वाला तो एक बीबी में ही फंस के रह जाता है, इनका क्या भरोसा, ये कितनी बीबी रखते हैं। पाकिस्तान भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, टांगे तोड़ देंगे उनकी। यहाँ की नागरिक नहीं है। क्यों नहीं नागरिक है, उसके उसके आने से पहले हम यहाँ के नागरिक हैं। कैसे कहता है वो हम हिंदू नहीं है, हिंदू अकेला वही है क्या, जब राहुल गांधी को निष्पक्ष घोषित कर दिया था, आज फिर उसको बुलाया क्यों गया। इन्होंने राम मंदिर बना दिया, गंगा माई साफ कर दी, गौ हत्या बंद कर दी, अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, 15-15 लाख रुपए आ गए, गंगा माई साफ होगी। ये कहते हैं कि हमने रामराज लाएंगे, आ गया रामराज। देख सकते हैं किस तरीके से महंत लोगों को भी भगाया जा रहा है, इनको भी डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। संगठित अपराध इस देश के अंदर हो रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। यहाँ पर ईडी के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे कांग्रेस पार्टी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, उनके साथ किस तरीके से डिटेन करके उनको ले जाया गया है। महिलाओं से खुद बातचीत करेंगे कि आखिर वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करने आई थी तो फिर सरकार का रवैया उनके साथ बदसलूकी पे किया कैसे उतरा। ईडी आज ईडी याद आया है, जो इन्होंने अपनी जुबान करी है कि हमने नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, वो कहां गया, सब कुछ खत्म कर दिया। रोजगार खत्म है, नौकरियां खत्म है, बच्चे कहाँ करेंगे, चोर बाजारी करेंगे नहीं तो फिर कहाँ जिएंगे, क्या काम करें बताओ ना। हमारी वादे जो किए थे वो पूरे नहीं पूरे नहीं करे, वादे पक्ष को डरा रही है ईडी का डर बिठा कर, ईडी का डर बिठा दिया तो खुद डरता है तो पुलिस को क्यों आगे लाता, खुद आके बात करे ना। हाँ। खुद क्यों नहीं आता बात करने के लिए, ईडी का ईडी की धमकी दे रहा है, क्यों भेजा है, क्यों कर रहे हैं आप इस तरह से अत्याचार। एक महिला है, आप जानते हैं उनको, उनके अभी वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, तो इसी वजह से तो वो कह रहे हैं कि 60 सालों से भ्रष्टाचार हुआ है इस देश में। कहाँ थे 60 साल में भ्रष्टाचार हो रहा था, तब ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये कहाँ बैठे थे, कहाँ सो रहे थे क्या। आज इनको सत्ता मिली है और ये सबका एक ही बार में भांडा खोलेंगे क्या, कभी तो उठ के आवाज उठाते हैं, जो 60 साल में बीजेपी कभी नहीं आई क्या। लेकिन आप कैसे लड़ेंगे, आपके लोगों को तो डिटेन करके ले जाया जा रही है पुलिस। कोई बात नहीं, देख जो भी संघर्ष है लगातार जारी रहेगा और हम अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। कांग्रेस न डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कहेंगे सर, हमें इस तरह कर रहे हैं, मोदी जी को पता चल गया है कि अब हमारी कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इसलिए मोदी जी डर से हमें उठा रहे हैं, जो कि हम प्रदर्शन ना कर तो दावा कर रहे हैं कि 24 में सरकार बनाएंगे, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हम दावा कर रहे हैं नहीं बना सकता, अभी कुछ नहीं है, अभी तो नोट दे दे के काम चला रहा है। जनता जनार्दन की 24 में सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो जनता त्राहिमाम कर चुकी है, हर चीज से भाईचारा खत्म हो चुका है, बेरोजगारी पूरी है, कोई रोजगार धंधे नहीं है, एजुकेशन खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो जा रहा है, देश के जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी खत्म हो चुकी, लोग जवान चुके हैं, सब जुमला 15 लाख कहाँ गए, 15 लाख लोग खाते में आ गए, सब जुमलेबाज था ये, इन्होंने हिंदू मुस्लिम 500 नहीं डाल सकता, 15 लाख दे गई है अपना पेट, तो झुकने वाले नहीं है, लड़ेंगे जीतेंगे। मोदी डरपोक है, कांग्रेसी डरपोक नहीं है, कांग्रेसी लड़ता है डरता नहीं है। एक साधारण सा हमारा सत्याग्रह पे पूरे पुलिस तंत्र को लगा दिया गया, क्या मतलब था, आपने पूरे शहर को अफरा तफरी में ठेल दिया, जनता पर कोरोना का बहाना लगा देता, कौन सा कोरोना है, सीजन चेंज होता है, सर्दी गर्मी होती है सबके साथ, इसने कौन सा कोरोना लगा दिया, नाइट में ये फुहारे छोड़ देता, दिन में आगे पब्लिक को कहता है अंडरग्राउंड हो जाओ तो कोरोना हो गया, खुद को क्यों नहीं हो रहा कोरोना, मत अमित शाह को क्यों नहीं हो रहा कोरोना, ये बस पब्लिक को होना है कोरोना, क्या कोरोना में कितने भूखे मर गए लोग, वो तो कह रहे कहीं कोई मौतें नहीं हुई हमारे पास, कोई आंकड़ा नहीं, मौतें नहीं हुई है, आंकड़ा खोल के देखो, आंकड़ा खोल के देखो, कितने लोग मरे इनके पास, चलो हमारे साथ कमल सिनेमा दिखाते हैं, उसमें जमीन में कितनी लाशें, एक दिन में कितनी 50-50 लाशें जली हैं, एक दिन में एक एक जगह में,
दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के अंदर कोई भी शमशान घाट ऐसा नहीं था जहाँ लाइनें लड़ रही हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो था कि मानवता शर्मसार हुई, ऐसा नहीं हुआ है कि शमशान घाट के बाहर लाइनें लगी हो। मोदी तो कह रहे हैं मेरे ड्रोन पूरे भारत में घूम रहा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्रोन हर जगह, कहाँ ड्रोन था आपने देखा नहीं? आपके जितने भी चैनल थे उन सब ने दिखाया कितनी पब्लिक परेशान थी, कितने लोग परेशान हुए, कितने मरने के बाद लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मेरा मानना है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का व्यवहार हुआ इसमें कोरोना के में। है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है कोरोना के में। दिल्ली भारत की राजधानी है, राजधानी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो सोचो कि पूरे भारत में क्या हाल होगा। नहीं ये बताओ, अभी आप सिल्मा चलो शमशान घाट में, तुम्हें एक एक बॉडी के ऊपर वहाँ का रिकॉर्ड दिखाते हैं, शमशान घाट की पर्ची दिखाते हैं, कितनी बॉडिया, एक बॉडी के ऊपर कितनी बॉडियाँ जली हैं। शमशान घाट ऐसे बुक था, हर घर से एक एक बंदा गया है कोरोना में। हर घर से कोई ना कोई रिश्तेदार। महंगाई आसमान पे चढ़ा दी है क्या जी? मेरी जनता तो अब कितने परसेंट पे आ गई है? 5% पे चल रही है महंगाई, चल रही है 15% पे। फ्री राशन भी तो दे रही है सरकार। क्या दे रही है? अब उसने बंद कर दिया फ्री राशन, दिया जिनको दिया पैसे वालों ने लिया, जिनके 5-5 लाख किराया आ रहा है उन्होंने लिया, गरीबों को कोई नहीं मिला। चलिए हमारे साथ, आपको एक एक मिलेगा। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो फ्री में कोई क्यों लेगा? आप भटकाने के लिए, जम्मू कश्मीर में पहले भी पलायन हुआ इनके राज में और अब भी पलायन हो रहा, उसका ध्यान भटकाने के लिए ईडी को आगे लाते हैं, कभी किसी पे कभी किसी पे। इनका ध्यान भटकाने का मकसद है और कुछ नहीं है इनका। ईडी हमारे पे लगा रहा है, कल को इसके पे भी ईडी खड़ी होगी। राज्यसभा में हमारे ज्यादा सदस्य बने, इनके 6 बने हमारे 10 बने, जबकि इनकी पूरे भारत में सरकार है। और उसको वो करने के लिए कि 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं निश्चित रूप से, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, पर ये दबेगा नहीं। ये कार्यकर्ता ऐसा है, ये पूरे भारत का कार्यकर्ता। उनके भगवा हूँ तो भगवा रोड पे क्यों नहीं आता सामने? भगवा है तो रोड पे आए ना, जय श्री राम का नारा, राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवा है तो रोड पे आके बात करे ना, पब्लिक से बात करे। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो राम का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र 8 साल हो गए अभी, ये क्या हिंदू मुस्लिम है तो सिर फड़वाने के काम करे हुए है ना, 8 साल हो गए इनकी सरकार। वो कह रहे हैं दंगाइयों के यहाँ बस बुलडोजर चलवा रहे हैं, दंगाई जो लोग है उनको साफ कर रहे हैं। हमें नहीं पता दंगाई कौन है कौन नहीं है, हम दंगाई हमें ही बनाया जाएगा और कोई नहीं बनाया जाएगा, हमारे को ही सबसे आगे खड़ा करा जाएगा। लड़ाई ये कहा करते थे कि 370 भी आवाज उठाएगा वही दंगाई है, जो इनके खिलाफ जो भी बोलता है वो राष्ट्र विरोधी है, वो दंगाई है। सरकार की दमनकारी नीतियां ये जनता को छलने का काम कर रही है, रोजगार देने की बात नहीं करती, भ्रष्टाचार में लबरेज है सरकार। उसी को लेकर आज हम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचे हुए और कांग्रेस इसकी केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं और दमनकारी नीति है उनके विरोध के लिए हम यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। हम ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई हो। हम सड़कों पे आके पूरा संघर्ष करेंगे, पूरे देश के लिए जनता के लिए संघर्ष करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर चलती है कांग्रेस पार्टी। इन्होंने जो है समाज को बांटने का काम कर रही है केंद्र सरकार, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, देश को बांटने पर लगातार लगी हुई है। सिर्फ इनकी जो वो तो 8 साल बेमिसाल बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार बांट रही है, सब ये जो है झूठे प्रोपेगेंडा है, इनके सारे झूठ पे आधारित इनकी सरकार चल रही है। जिस वक्त ये सत्ता से बाहर होंगे तब इनके भ्रष्टाचार पता लगेगा कि इन्होंने कितना 8 साल के अंदर किया। ये सब आपके सामने है, सब देख रहे हैं क्या क्या बेरोजगार करके डाल दिया, लोगों को बेहाल करके डाल दिया, रोटी का मुंह करने वाला छीनने पे लगी हुई सरकार। क्या कभी लाइन में लगा देती है, कभी उस लाइन में लगाती है, यही काम है इनका और कुछ नहीं, बस वोट की राजनीति है। किस तरह अपने वोट को बैंक को जो है मजबूत करके रखे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, मस्जिद मंदिर करते रहे, बस डर बिठाकर विपक्ष की आवाज़ को कमजोर करने की कोशिश करें। इससे कुछ नहीं चलने वाला, ये तो सब ऐसी डराने वाली बातें हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, पूरा मुकाबला करें। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पूरा संघर्ष करेंगे, सोनिया गांधी जी की जो हमारी अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में हम पूरा संघर्ष करेंगे और इनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। ये सब तो सब जगह से आए, ये राहुल जी के भक्त हैं, ये राहुल जी को मानते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि राहुल जी इंटेलिजेंट है, वही देश को बचा सकते हैं। योगी जी तो इन्हें मठ से भी बदतर कर देंगे, खुद तो मठ पे बैठे ही हैं। धर्म बचाए कहाँ, इनको जनता के हक अधिकारों में लेके आ गई आप इनको।
इनका हक है भाई। जब इन साधुओं संतों के भी मर्डर हो रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं हिंदुत्व हिंदुत्व कर रहे हैं, इनके भी मर्डर हो तो हिंदुत्व रह कहाँ गया? ये अपनी राजनीति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी का भी मर्डर करवा सकते हैं। अब आप देख लिए कश्मीर का ही, कश्मीरी पंडितों का एकदम उठाया बोलबाला, अब कहाँ चले गए, अब कहाँ जाए बे? कश्मीरी पंडित में मर्डर पे मर्डर हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी राज में ना संत सुरक्षित है ना नॉर्मल पीपल? जी बिल्कुल, ना महिलाएं ना बच्चे ना लड़कियां ना कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि सड़क पे आ गया है आज यूथ, आज जो भी शिक्षा प्राप्त की है लोगों ने, आज वो चाय बेच रहे हैं, जो ग्रेजुएशन है वो भी, इन्होंने तो चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, तो वो भी सोच रहे हैं शायद हम भी अच्छी कुर्सी पे पहुंच जाएं तो हम भी चाय बेचें, हमारा भी नसीब खुल जाए। लेकिन पता चला इन्होंने चाय भी नहीं बेची, ये भी फर्जीवाड़ा था जी, ये भी कहानी थी एक जी, कहानी थी बिल्कुल, इन्होंने चाय भी नहीं बेची, इन्होंने तो कैसे भी करके कुर्सी हासिल कर ली। तो अपने संघर्ष से सत्ता में आया ना, उनके संघर्ष रहा? बिल्कुल नहीं, ये 5 किलो राशन है जो इन्होंने जनता के बीच में दिया, उस राशन के बोलबाले पे अभी फर्जी रिपोर्ट दी थी, राशन बंद हो रहा, जो भी 4 व्हीलर वाला होगा, 2 व्हीलर होगी, घर का मकान होगा, उसको राशन नहीं मिलेगा। ये हर तरीके से जनता को पीड़ित कर रहे हैं, अगर जमीन पर आकर क्षेत्र में जाके देखे तो इन्हें पता चलेगा जनता कितनी परेशान है। अब वोट कैसे ये बढ़ाते हैं, ये कैसे इनकी, ये तो भैया प्रशासन का प्रेशर होता है हर जिले में कि हमारी 4 या 3 सीट निकलनी चाहिए, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ टूंडला विधानसभा 95 से, तो मैंने क्षेत्र में देखा है कि मशीनें 18 मशीन खराब हुई थी विधानसभा में। वो तो कह रहे हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, मेरा ड्रोन चारों भारत के चारों कोनों में है। जी नहीं नहीं, भारत के चारों कोनों में नहीं, विदेशों में। हाँ। और वो भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, यहाँ दिखाई कर रहे हैं विदेश में, डंका बज रहा है मोदी जी का। जी नहीं, ये सब इनकी मीडिया, गोदी मीडिया कर रही है, मैं आपको नहीं कह रही, सब मीडिया नहीं है, कुछ मीडिया है, दलाल पत्रकार है, दलाल पत्रकार। जी नहीं नहीं, सब दलाल नहीं होते, जो है वो साफ साफ दिख रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि एक मीडिया ऐसी चीज थी जिस पर जनता भरोसा करती थी, हम जैसे लोग भरोसा करते थे, आज वो मीडिया भी धीरे धीरे बिकती जा रही है। आप लोगों से भी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, कभी गलत रास्ता नहीं अपनाइएगा, सच का साथ दीजिएगा, ऊपर वाले की इतनी हिम्मत है कि आप सही रास्ते पर चलिएगा, क्योंकि एक मीडिया वो है जो सच्चा रास्ता दिखाती है। ठीक है, आज सरकार इनकी है, कल हमारी भी आएगी, ये तो फेर बदल होता है राजनीति में, इसका मतलब हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, यही हमारे माननीय राहुल गांधी जी। आपको जेल में ही भेज देगी तो कहां से आप सत्ता में आएंगे? डिटेन करके आपके लोगों को ले जाया जा रहा है, नेताओं पे ईडी का छापा पड़ रहा है। जी बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये सत्ताधारी है, जब जनता उमड़ के आएगी ना तो इनकी सत्ताधारी कुर्सी पड़ी रह जाएगी, ये कुर्सी के लिए जो लड़ाई है ना, ये कुर्सी भी जाने वाली है इनकी बहुत जल्द। अब इनके हाथ में सब तरफ से सत्ताधारी है, तो ये सोच रहे हैं कहीं भी कोई पॉइंट ना रह जाए जहाँ हम पे प्रेशर पड़े। अरे इन्हीं के सांसद, इनके मंत्री तो बुराई करते हैं, इन्होंने पावर दी है कि शिक्षा मंत्री बना दिया फलाने मंत्री में, पावर तो इन्होंने अपने ही लोगों को दी हुई है, पावर किसी को नहीं दी है, योगी जी और मोदी जी पावर अपने हाथ में ही रखते हैं, ये सबसे बड़ा कड़वा सच है। लेकिन आप कह रहे हैं योगी जी मोदी जी अपने पास पावर रखते हैं, वो क्या करेंगे, ना उनका बीवी है, ना बाल है, ना बच्चा है। हाँ बिल्कुल, देश के हित में काम कर रहे हैं, बाल बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है। हाँ। लेकिन जितना कार्य है वो उस पर्दे के पीछे करते हैं। हाँ। वो बाल बच्चों वाला तो एक बीवी में ही फंस के रह जाता है। हाँ। इनका क्या भरोसा, ये कितनी बीवी रखते हैं, इसीलिए आजाद। क्या कह रहे हैं आप? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी एक धर्म व्यक्ति को विशेष नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों को मानता है, तो कांग्रेस ने कभी किसी से छेड़छाड़ नहीं की, सब धर्मों को मान्यता दी है, समान किया है। हाँ। तो हम उनके साथ हैं। हाँ। कहीं आप ये सोचकर तो नहीं आए कि आपको भी राजनीति में जाने का मौका मिलेगा, योगी जी की तरह, योगी जी की तरह आप भी सत्ता में जाएंगे? हम सत्ता के लिए नहीं आए, इसमें क्या है, जब जनता की सेवा करेंगे इसमें क्या है, हम तो वैसे जनता की सेवा करते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयाना छोड़िए जब लगट में प्राण, बेटे सेवा की। ये देखिए यहाँ पे महंत संत मौजूद हैं, किस तरीके से सर बात करेंगे हमसे? आप तो मठ संभालते हैं, आपके साथ किस तरीके से भेदभाव होता है, आप क्यों सड़कों पर आए? सड़कों का मैं आए भाई, समानता का अधिकार हो, अपने भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है जी। और सबके किसी से भेदभाव नहीं हो, इस कारण आए हम। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, पर सभी को समानता से साथ चलना चाहिए, सभी धर्मों को साथ लेना चाहिए, सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए। मैडम देश तो आज तक भी हिंदू होता रहा है, अब ये 6-7 साल से अलग हिंदू हो गया, अलग थोड़ी हो गया हिंदू, 70 साल से हिंदुओं का राज है यहाँ पे, तो अब अलग से कोई हो गया कि 6 साल के बाद हिंदुओं का राज होगा, मुसलमान कहाँ जाएंगे, दलित कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, टांगे तोड़ देंगे उनकी। वो कह रहे हो यहाँ की नागरिक नहीं है। क्यों नहीं नागरिक है, उसके आने से पहले हम यहाँ के नागरिक है, हजारों साल से हम यहाँ के हिंदुस्तान के नागरिक है, आज वो 6 साल से बढ़ गया तो वो हिंदुस्तान का नागरिक हो गया जी। हम कुछ नहीं है, हमारी 65 साल की उम्र है, कैसे कहता वो हम हिंदू नहीं है, हिंदू अकेला वही है क्या,
आप बताइए मैडम, लेकिन राष्ट्र की बात तो वही करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैडम जिसके पास कुर्सी होती है वही करता है। आज आज इनको बिठा दो, इनको बिठा दो, वही बात करेगा। इसमें क्या बात होगी? आज एक वही मोदी है ना जिसका अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया था, जब उत्तर गुजरात का चीफ मिनिस्टर था वो, आज वही मोदी है। लेकिन आज अब तो विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का। कहाँ बज रहा? आप माउंटेन कंट्री में जाके देखिए, 40 लाख मिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था पे नुकसान होगा इंडिया को। अब 80,000 इंडियंस जो माउंटेन कंट्री में हैं, अब उनको निकाला जाएगा। अब उनके साथ क्या सलूक होगा? जब राहुल गांधी को निष्पक्ष घोषित कर दिया था, आज फिर उसको बुलाया क्यों गया? क्यों सताया जा रहा उस परिवार को? इसका विपक्ष जो सत्ताधारी पक्ष है उसका एक ही मुद्दा है कि भाई इस नेहरू परिवार को, गांधी परिवार को दबा दो, देश से बाहर निकाल दो, हम मालिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। डर गई है विपक्ष की ताकत से, बिल्कुल डरी हुई है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अब ये कितने आदमी है? 5-7-10 हज़ार आदमी हो गए। चारों तरफ पुलिस, पुलिस चारों तरफ, पुलिस ही पुलिस। देखो आप, साधु संत समाज आया हुआ है। अब क्यों घेराबंदी कर रहे हैं? घेराबंदी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश का विपक्ष का गला दबा जा रहा है। जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़, महिलाओं की, युवाओं की आवाज़, देश का विकास, दलितों की आवाज़, ह्यूमैनिटी की आवाज़, देश सबका है। देश में हिंदू ज़्यादा हैं तो कहीं हिंदू कम भी हैं, कहीं मुस्लिम ज़्यादा हैं कहीं मुस्लिम कम हैं, कहीं सिख ज़्यादा हैं कहीं सिख कम हैं, कहीं क्रिश्चियन ज़्यादा हैं कहीं क्रिश्चियन कम हैं, लेकिन देश कम का भी है और ज़्यादा का भी है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबा कुचलना चाहती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट बना करके विपक्ष की आवाज़ को कुचल के देश की कांग्रेस को, बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार हत्या करना चाहती है। अगर जो कांग्रेस की हत्या हुई, कांग्रेस अगर जो कमजोर हुई, तो देश का किसान, मजदूर, युवा, विकास, दलितों की मानी तो कह रहे कि 60 साल से भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। नहीं मोदी जी, 60 साल से भ्रष्टाचार नहीं है। राम राज लिया है इन्होंने, राम मंदिर बना दिया, गंगा माई साफ कर दी, गौ हत्या बंद कर दी, अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, 15-15 लाख रुपये आ गए, गंगा माई साफ होगी। ये कहते हैं कि हमने राम राज लाएंगे, आ गया राम राज। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, हर एक के बाद एक झूठ की गठरी बांध करके देश में घूम रहे हैं, तो ये कांग्रेस की आवाज़ उठ रही है। राहुल गांधी को इसलिए सताया जा रहा है कि तुम अपने मुंह को बंद करो, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले लीडर नहीं है। विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करना चाहती है, कमज़ोर करना चाहते हैं। विपक्ष भी देश का हिस्सा, विपक्ष की आवाज़ को कम करना चाहते हैं। जब जब कोई बात उठती है तो विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबके पास कभी ईडी भेज देते हैं, कभी कुछ भेज देते हैं, लेकिन विकास का कोई नाम नहीं है। राहुल गांधी इस देश की आवाज़ है और इस देश की जनता राहुल जी के साथ है। आज साधु संत भी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे पूरी पब्लिक आई हुई है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका देश है और सब लोग राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी यहाँ करके हम देखते हैं, स्क्वायरली देखते हैं तो भारत देश में डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है। मुट्ठी भर लोग आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, बाकी लोग तो आप, मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर हम लोग रोड पर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज डेमोक्रेसी की हर कदम पर हत्या हो रही है। अभी मैं उधर खड़ा था अपनी टीम के साथ में, मीडिया की गाड़ी को टांग के टो करके ले जाते हुए मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। आज मीडिया की गाड़ी को ये ताना से सरकार की नुमाइंदे टांग के ले जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान बच क्या गया मैडम? अब तो जरूरत है, इस देश में फिर से एक नई क्रांति की आवश्यकता है। और पहले हम गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा भयंकर आज देश के अंदर काले अंग्रेज साबित हो रहे हैं। पहले पहचान हो जाती थी कि ये काले अंग्रेज हैं, ये गोरे अंग्रेज हैं, लेकिन काले अंग्रेज हम लोगों के बीच में से पैदा हुए हैं। और एक दो तरह के गुंडे होते हैं, एक सरकारी गुंडा, एक गैर सरकारी गुंडा। गैर सरकारी गुंडा वो होता है अपनी ताकत की दम पर बंदूक की नोक पर गुंडाई करता है, नोटों को कमाता है। एक होता है सरकारी गुंडा। सरकारी गुंडे वो हैं जो कुर्सी पर बैठ करके लूट मचा रखी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से महंत लोगों को भी भगाया जा रहा है, इनको भी डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। संगठित अपराध इस देश के अंदर हो रहा है और इनके खिलाफ जब तक जंग नहीं लड़ी जाएगी तब तक हम भागते रहेंगे, ये लोग भगाते रहेंगे। मेरे साथ जो भी लोग आए हैं, भागना नहीं है, चाहे हमारी हड्डियां टूट जाएं, हम सोल्जर हैं, यहाँ से भागेंगे नहीं। और पुनः इस देश में क्रांति की आवश्यकता है। हमारा देश आज बहुत बड़े, कहना चाहिए, गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अगर मीडिया ने ठीक से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन फ्यूचर जो देश में हो रहा है उसका जिम्मेदार मीडिया भी है। हाँ डेफिनेटली, आज
कुछ ही मीडिया है, अगर यूट्यूब चैनल खत्म कर दिए जाए तो देश के अंदर मीडिया गुलाम हो चुका है। कुछ ही एनडीटीवी जैसे, एनडीटीवी है शायद, एनडीटीवी और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सच को दिखा रहे हैं, जो निर्वीक होकर के आज सरकार के खिलाफ वही बोल सकते हैं जो अपने सर पर कफन बांध के रख सकते हैं। और हम वादा करते हैं आगरा से हम क्रांति खड़ा करेंगे, सेना से हम जिंदा होकर के आ गए हैं। अब यहाँ पर पहले जो विदेशों में गुंडे हुआ करते थे उन गुंडों से लड़े हम, अब हमारे देश के अंदर जो सरकारी गुंडे हैं, इसमें सांसद भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, डीएम भी हो सकता है, एसएसपी हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है, ये सब गुंडों का एक कोकस है। जब तक गरीब जनता और कुछ मीडिया के लोग रोड पर नहीं आएंगे तब तक सरकारी गुंडों को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। सरकार चल कहां रही है मैडम? कानून है, रामनाथ अग्रवाल गलत काम कर रहा है तो मुझे गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए, न्यायाधीश मुझे सजा देंगे जेल के अंदर। लेकिन इन्होंने संविधान को चौराहे पे नीलाम कर दिया, अब रामनाथ गलत है तो दौड़ाइए और गोली मार दो, क्या एनकाउंटर मारा गया, वेयर इज लॉ एंड जस्टिस इन इंडिया, आई एम आस्किंग द पीपल ऑफ द इंडिया, जस्टिस कहां है देश के अंदर, जस्टिस कहां है? मैं सेना से आया था, मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे मैडम, मैंने कई बार जेल काटा, जेल के अंदर जेल अधीक्षक गुंडे के बल पर बहुत पैसा कलेक्ट होता है, वहां पर 10 लाख 20 लाख रुपए महीना भारत के देश में कलेक्ट होता है, मैं जेल में कई बार गया हूँ। और डीएम एसएसपी वहां जाते हैं चेकिंग करने के लिए, नाटक करने के लिए जाते हैं, पर डीएम एसएसपी जाते हैं और वहां उनको खड़ा कर दिया जाता है कि भाई बोल मन देना नहीं, शाम को तेरी पिटाई होगी, कोई कुछ नहीं बोलता। डीएम एसएसपी मंत्रियों को पता है कि जेल में क्या हो रहा है, थाने में क्या हो रहा है, तहसील में क्या हो रहा है, ये सब सरकारी गुंडे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। और डीएम एसएसपी जो कुर्सियों में बैठे हुए हैं तलवे चाट चाट करके उन लोगों के जो कहे इनके, और जो डीएम एसएसपी ज्यादा पैसे कमा करके लखनऊ दिल्ली सब जगह पहुंचाता है वो 3-4 साल तक रहता है, जो ईमानदारी से काम करता है डीएम एसएसपी वो जेल में है, कई एसएसपी जेल में पड़े हैं, कई डीएम जेल में पड़े हुए हैं, जब वो डीएम जांच करने जाते हैं जेल के अंदर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब डीएम एसएसपी केस में फंस जाते हैं तो जेल में जाकर के इनके घुटनों से आंसू निकलती है डीएम एसएसपी के मुंह, लेकिन इन लोग होश में नहीं है। मैं तो लोगों आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भारत देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अब इनके खिलाफ जंग लड़िए, इकट्ठे होइएगा, डर को छोड़ दिए, वन डे दिस बॉडी विल मर्ज इनटू एशेज एंड सॉइल्स वेयर व्हेन एंड वेयर वी डोंट नो, एक दिन यह शरीर मिट्टी और राख में परिवर्तित होगा, तो डर किस बात का, कम मरेंगे काम मरेंगे, डर को त्याग दीजिए और हमें रोडों पर जंग के लिए आ जाना चाहिए। नौकरी खत्म हो गई, 3 वर्षों से नौकरियां खत्म, लोग रोड पे, मैं स्वयं देख रहा हूँ मेरे ही तहसील के अंदर अभी कुछ समय में 5-6 लोगों ने आत्महत्या की है, नौजवानों ने नौकरी न लगने के कारण, इस देश के अंदर कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज अगर मीडिया ने ठीक से कवरेज कर दिया, हम वादा करते हैं आगरा से जंग लड़ेंगे, और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको दर्द हो रहा होगा, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा दर्द बढ़ता रहेगा, नहीं तो मेरा भी एनकाउंटर करवा देना, मुझ पर भी सारे मुकदमे हैं, मेरा एनकाउंटर करवा देगा तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं, वादा कर रहा हूँ अगर हम पर लॉटरी चार्ज हुए मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। और देश की जनता सुन लो, जब भी पुलिस लॉटरी उठा के आपके पीछे भागती है आप लोग मैदान छोड़ के भागते हैं, मत भागिए मत भागिए, पुलिस की लॉटरी के डंडे से हड्डी नहीं छूटती है, केवल मांस में चोट आती है, जी मांस में चोट आती है, केवल मांस में चोट पुलिस के डंडे से। इसीलिए आप लोगों से मेरा कहना है, ये हम पर लाठी मार सकते हैं, गिरफ्तार करके जेल ले जा सकते हैं, हमारी बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन हम कोई जान से नहीं मार सकते, इसलिए आप भागना मत। और आज सच मान लीजिएगा, मैं सेना में था, जब मेरे आर्मी अधिकारियों ने मेरा चरित्र लिख के दिया, दैट वाज द एग्जाम्पलरी, ये आने के बाद मुझ पर बहुत सारे मुकदमे लगाए हुए हैं और इन मुकदमों के साथ ही मुझे मरना पड़ेगा ऐसा लगता है। अब ज़रूरत है इस देश में नई क्रांति लाने की। ये देखिए, ये देश की तस्वीरें थी, हम आपको दिखा रहे थे कि वो इन्होंने बोला कि भारत में अब ज़रूरत है क्रांति की, भारत में अब ज़रूरत है सड़कों पे आने की, भारत में अब ज़रूरत है डेमोक्रेसी को बचाने की, भारत में अब ज़रूरत है लोकतंत्र को बचाने की। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कि युवाओं का अंधकार में बढ़ता हुआ भविष्य है, क्या आप कब तक सोते रहेंगे, घरों से निकलिए, अपने बच्चों बीवी बच्चों के पास कब तक बचे रहेंगे, क्योंकि आज नंबर हमारा है तो कल आपका भी होगा, इसलिए एकजुट होकर आवाज़ उठाइए।
हम आप तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, इन सब चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, 24 अकबर रोड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।